रेनॉल्ट और निसान के तरफ से इंडिया के मार्केट में 5 नए 517 सीटर एसयूवी लॉन्च होने वाले हैं। पहले नंबर पे आने वाला है थर्ड जनरेशन रेनॉल्ट की डस्टर। ये गाड़ी इंडिया के मार्केट में ईयर 2024 में 100% श्योर है लॉन्च होने वाला है। ये गाड़ी की लेंथ 4.6 मीटर होने वाला है और ये एसयूवी पहले 5 सीटर अवतार में आएगा, उसके बाद ये गाड़ी को 7 सीटर अवतार यानी वर्सन में लॉन्च किया जाएगा। 5 सीटर मॉडल में कंपीट करेगा ये गाड़ी ह्यूंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, टोयोटा के हाईराइडर, मारुति सुजुकी की ग्रैंड वीटारा जैसे मिड साइज एसयूवी के सेगमेंट में जितने सारे गाड़ियां हैं इन गाड़ियों को ये 5 सीटर मॉडल टक्कर देने वाला है। बात करी जाए डिज़ाइन के मामले में तो ये गाड़ी हेविली इंस्पायर्ड रहेगा डैक्सिया बिगस्टर एसयूवी से। ये गाड़ी पहले वाली डस्टर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी होने वाला है। इंजन और स्पेसिफिकेशंस की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको दो तरह की पेट्रोल इंजन दिया जाने वाला है, 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और उसके साथ साथ 1.5 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों ही वेरियंट में आपको 4 व्हील ड्राइव यानी कि ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन देखने को मिलने वाला है डस्टर में और डस्टर 7 सीटर पे भी। उसके बाद अगर बात करें 7 सीटर मॉडल की तो डस्टर 7 सीटर मॉडल डस्टर के आने के कुछ दिनों बाद यानी कि 5 सीटर मॉडल पहले लॉन्च होगा और उसके कुछ दिनों बाद 7 सीटर मॉडल नेक मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पे 7 सीटर मॉडल में पूरा सिमिलर फीचर्स देखने को मिलेगा जो 5 सीटर मॉडल में आपको देखने को मिल जाता है। वही सिमिलर प्लेटफॉर्म CMFB मॉडुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये भी बेस्ड रहेगा और वही इंजन स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पे भी कंटिन्यू किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये 7 सीटर ऑप्शन के साथ आएगा और 5 सीटर मॉडल से थोड़ा लंबा होने वाला है या लॉन्गर रहेगा। उसके बाद नंबर 3 और 4 पे निसान भी प्लान कर रहा है डस्टर बेस्ड एसयूवीज लॉन्च करने की, जो कि डस्टर 5 सीटर और 7 सीटर मॉडल लॉन्च होगा। वही गाड़ियों को निसान रिव्याज करके रिव्याज वर्सन इंडिया के मार्केट में सेल करेगा। निसान थोड़ा बहुत एक्सटीरियर और इंटीरियर में चेंजेस करके वही सिमिलर फीचर पावर ट्रेन के साथ लॉन्च करने वाला है, जिस तरह कुछ आप देख चुके हैं रेनॉल्ट काइगर और निसान मैग्नेट में। सेम प्लेटफॉर्म, सेम फीचर, लेकिन एक्सटीरियर इंटीरियर में काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। उसी तरह कुछ निसान भी करने वाला है 5 सीटर डस्टर और 7 सीटर डस्टर के साथ। उसके बाद निसान के तरफ से निसान की एक्सट्रेल गाड़ी इंडिया के मार्केट में आने वाला है और ये निसान के तरफ से इंडिया के मार्केट के लिए फास्ट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल होने वाला है। 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ माइल्ड हाइब्रिड ऑप्शन भी यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये 7 सीटर एसयूवी में आपको प्रीमियम लेवल की फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। 12.3 इंच का बिग टस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लेटेस्ट स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ ये आने वाला है। 12.3 इंच का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एडास बेस्ड सर्विस सेफ्टी फीचर्स और उसके साथ साथ कई सारे प्रीमियम लेवल के फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ये गाड़ी इंडिया के मार्केट में लॉन्च होने के बाद ये सीधे सीधे टक्कर देगा टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसे प्रीमियम गाड़ियों को इंडिया के मार्केट में। तो ये थे 5 5 सीटर एंड 7 सीटर एसयूवी जो कि रेनॉल्ट और के तरफ से इंडिया के मार्केट में कुछ ही दिनों के अंदर लॉन्च होने वाला है। आपको कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और ऐसे से नए नए वीडियो देखना चाहते हैं ऑटोमोबाइल्स के ऊपर तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है ऐसे नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, प्लीज सेफ, बाय बाय।